हेलो एवरीवन, सी टी एच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कंप्यूटर फंडामेंटल के सीरीज़ में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी की बेसिक समझ बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि डिफाइन द टर्म मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन हमें समझना है कि मेमोरी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और हमारे मोबाइल के मेमोरी हैं या फिर हमारे पास पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, कंप्यूटर का मेमोरी है, ये किस कौन कौन सी मेमोरी होता है, क्या मेमोरी में सिर्फ हम लोग डेटा को स्टोर ही करते हैं या उसमें प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग जो है ना क्रमवार वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन द टर्म मेमोरी, मेमोरी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहे कि मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी स्टोरेज स्पेस होता है कहाँ पे, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में या मोबाइल में स्टोरेज स्पेस, जहाँ पे आप अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और ये सारे मेमोरी जितने भी होता है, बहुत आप देखते हैं 3 GB मेमोरी है, 5 GB मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी देखते हैं 128 GB है, 64 GB है। तो इन सब मेमोरी को जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है, और उस छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और प्रत्येक सेल का जो है ना अपना यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक का मतलब है कि कोई भी एड्रेस किसी सेल का होगा तो वो पूरे मेमोरी में किसी अदर सेल के एड्रेस से मैच नहीं करेगा, उसे कहते हैं यूनिक एड्रेस। तो इन सारी बातों को जो है ना हम लोग देखेंगे आगे, और अभी देख लेते हैं डिफाइन करेंगे कैसे। तो उसके रिगार्डिंग जो हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट किए हैं, तो उसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, अ कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज स्पेस। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, स्टोरेज स्पेस है। कहाँ पे, तो कंप्यूटर में, वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड, जहाँ पे आप डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमने देख लिया कि ए स्टोरेज स्पेस है मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, वेयर डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस का मतलब मैनिपुलेट करना, उसका जो है ना आंसर को फाइंड करना, आउटपुट फाइंड करना, होता है प्रोसेसिंग। तो आपका हो गया डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं, एंड उसे स्टोर भी कर सकते हैं। किसको, तो जो आप प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को आप जो है ना स्टोर भी इस पर इसे कर सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, यदि आपको आवश्यकता है तो, यदि आवश्यकता नहीं है तो बिना मतलब के कुछ भी कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उसे सेव करने की आवश्यकता नहीं है। उसे क्या होता है, आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करता है कुछ स्पेस को, जिससे जो है ना आपको बाद में जो है ना पूरा मेमोरी फुल शो करता है। तो इसलिए जो आवश्यकता है, जो आवश्यक चीज़ें हैं जिसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, उसी डेटा को हम लोग सेव करते हैं मेमोरी के अंदर में। तो मेमोरी समझ में आ गया, पहला डिफिनेशन यह है कि स्टोरेज स्पेस है कहाँ पर, तो कंप्यूटर में, जहाँ पर आप डेटा को या इंस्ट्रक्शन को आप जो है ना उसमें प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जो है ना जो रिजल्ट आता है उसको आप वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, देखिए एक इंस्ट्रक्शन हम ले लेते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, एक इंस्ट्रक्शन ले लिया जिसमें तीन ऑपरेंड लिए हुए हैं सी ए और बी, और दो ऑपरेटर आपके पास हैं प्लस एंड इक्वल टू, दो ऑपरेटर हैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ऑपरेटर क्या होता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको करना क्या है। तो प्लस ए बता रहा है कि आप दो ऑपरेंड ए एंड बी को ऐड कर दीजिए, और इक्वल टू बता रहा है कि ऐड करने के बाद जो है ना आप उसके रिजल्ट को जो है ना सी में स्टोर कर दीजिए। तो ये यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, और ये रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, सी में आ रहा है। तो ये प्रोसेसिंग कहाँ पे हुआ आपका, तो मेमोरी में हुआ। कहाँ पे हुआ, प्रोसेसिंग मेमोरी में हुआ। और इस सी को, सी में जो वैल्यू आया है ए प्लस बी के रिजल्ट आया है, उसको आप स्टोर करना चाहते हैं, वो भी कहाँ स्टोर करेंगे, तो ये भी मेमोरी में करेंगे। इससे क्लियर होता है कि आप मेमोरी में डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं और उसे स्टोर भी कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे जो है ना आगे डिवाइड किया गया है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितने टाइप का मेमोरी होता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। सिंपल भाषा में सेकेंड पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। आप जो है ना डेटा और इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में आसानी से स्टोर कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, आपके मेमोरी के साइज पे डिपेंड करता है कि कितने जीबी का आपका मेमोरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स।
मेमोरी को जो है ना लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है और उसका नाम क्या दिया गया है, सेल। और प्रत्येक सेल का जो है ना अपना यूनिक एड्रेस होगा, जिसको जो है ना जिससे हम लोग मेमोरी के सेल के एड्रेस जो है ना उस डेटा को फेच करेंगे, बाद में एक्सेस कर पाएंगे। तो ईच लोकेशन ऑफ सेल हैज़ यूनिक एड्रेस, प्रत्येक जो है ना लोकेशन सेल का लोकेशन है और उसका एक यूनिक एड्रेस है, और वो वेरीज करता है वेरीज फ्रॉम 0 to मेमोरी साइज -1। देखिए 0 to मेमोरी साइज -1 कैसे, तो आपके पास मान लीजिए कि 1 GB का मेमोरी है, आपके पास 1 GB का मेमोरी है, 1 GB। अब 1 GB को हम लोग जो है ना मेमोरी साइज कैसे सेल में डिफाइन करेंगे, तो 1 GB में कितना होता है 1024 KB किलो बाइट, ठीक है ना। 224 को हम लोग किस लिखते हैं 2 to the power 10 KB, और 2 to the power 10 कहाँ से आ गया 224 तक आया। और 224 को मेमोरी लोकेशन कैसे डिफाइन करेगा, तो वो 0 to मेमोरी साइज -1, 0 to मेमोरी साइज -1, 0 से स्टार्ट करेंगे 0 और 2 to the power 23 तक, यानी कि मेमोरी का साइज आपका 224 है, तो स्टार्टिंग करेंगे लोकेशन 0 से और कहाँ तक तो जाएंगे 224 तक तो जाएंगे। यदि आपके पास 2 to the power 7 KB हैं, 2 to the power 7 KB का मतलब 128 KB होता है, तो इसका जो लोकेशन होता है वो 0 to 127 होगा। यहाँ तक ये सेल का जो है ना लोकेशन वेरी करेगा। तो इसमें हम लोग देखें अभी मेमोरी का डिफिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लें। ओके तो अभी देखते हैं, हम लोग देख लिया डिफिनेशन क्लियर हो गया आपका मेमोरी का। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो ये उसको भी देख लेते हैं मेमोरी कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली मेमोरी 3 टाइप्स का होता है, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी होता है आपका 3 टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा कैच मेमोरी या कैसे मेमोरी भी इसको बोला जाता है। सेकेंड हो जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। एंड थर्ड हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। आपका 3 टाइप्स का मेमोरी हो गया, किस बेसिस उसको डिफाइन किया गया है ये भी हम लोग आगे देखेंगे, कैसे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब कैसे मेमोरी का कोई टाइप इसमें अभी हम लोग नहीं देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उससे पहले इसको देखिए, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जानता है, और मेन का मतलब समझते हैं अगर मेन आदमी नहीं रहे किसी चीज़ में किसी भी वर्क में तो काम स्टॉप होता है, काम नहीं हो पाता, यानी कि मेन मेमोरी होता है हमारे कंप्यूटर का और मोबाइल का, और इसको कहेंगे क्या मेन मेमोरी, और इसका नाम होता है एक्जिलियरी मेमोरी, यानी कि वो एक्जिलियरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये मेन है, ये एक्जिलियरी, ये रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। प्रोसेसिंग तो हम इसमें करेंगे, सेविंग करने के लिए इसमें करते हैं, लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाएंगे यदि उपलब्ध नहीं होगा तो, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको हम देखेंगे, इसको बोलते हैं टेम्पोरेरी मेमोरी, टेम्पोरेरी मेमोरी, और इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। क्लियर होगा, ये सिर्फ इसका नाम है जिससे कि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो। सेकेंडरी मेमोरी को एक्जिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और उसी को परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा को हम लोग परमानेंटली सेव करते हैं, तब तक ये डिलीट नहीं होगा जब तक कि हम लोग खुद से डिलीट ना करें, तब तक वो डिलीट नहीं होगा। प्राइमरी मेमोरी में को हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी, और इसको टेम्प्रोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसमें डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। अब प्राइमरी मेमोरी हमारा 2 टाइप का हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के क्या टाइप हो गया, 2 टाइप का हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम, ठीक है। और फिर रैम जो है ना आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है,
स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। और आपका रोम भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, रोम जो होता है ना तीन पार्ट में वो होता है आपका पी रोम, पी रोम दैट मीन्स की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो होता है आपका ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड थर्ड होता है डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। इसमें जो है ना ऐसा कोई टाइप नहीं है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका हो गया पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ईटीसी, बहुत सारा है। ये सब जो है ना आपका जो एक्सटर्नली जो है ना हार्ड डिस्क आता है, हार्ड डिस्क भी होता है ना हमारा जो होता है सीडी हार्ड डिस्क, ये सब होता है ना सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल होता है। प्राइमरी मेमोरी में आप देख लिए कि दो टाइप का होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, और रैम होता है आपका एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम है डायनेमिक रैम, रोम होता है पी रोम ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। तो ये हो गया आपका मेमोरी का टाइप्स, ठीक है ना। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग जो है ना नेक्स्ट में जो हम लोग डिफाइन करेंगे अलग अलग कैसे मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में जो है ना आपका रैम और रोम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। फिर रैम में जो है ना दोनों डिफरेंस देखेंगे कि एस रैम और डी रैम क्या होता है। रोम को डिफाइन करने के बाद हम लोग पी रोम को डिफाइन करेंगे, ई पी रोम को डिफाइन करना होगा और डबल ई पी रोम को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका प्रोसेसिंग आखिर क्या है, किस बेसिस पे इसको अलग अलग पार्ट में डिफाइन किया गया है। और सेकेंडरी मेमोरी हम लोग देखेंगे कि एक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है और इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, जिसको मैं डाटा को हम लोग जो है ना परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो इसका जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग इसका डिफिनेशन सबका देखेंगे और सबको कंपेयर करके भी देखेंगे कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, कौन सा जो है ना ऐसा मेमोरी है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, हमारा मेमोरी मोबाइल काम नहीं कर सकता है, और कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसके बिना हमारा मोबाइल और कंप्यूटर काम तो कर सकता है लेकिन उसमें डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके।